గజాననం భూత గణాది సేవితం కపిత్త జంబువుల చారుభక్షకం ఉమాసుతం శోక వినాశ కారణం నమో విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. ఐ ప్రే ప్రే గాడ్ ఎవ్రీ డే ఇట్స్ వైల్ ఐ క్యాచింగ్ ద ట్రైన్ ఆల్సో ఐ ప్రే గాడ్ వైల్ ఇట్ ఇస్ ట్రైన్ స్టార్టింగ్ డెఫినెట్లీ ఐ ప్రే గాడ్ దట్ ఈవినింగ్ ఆల్సో ఐ ప్రే. Usual, I took the train at Andheri, I changed it at Dadar, and from Dadar to VT. Same usual, no change. Useful, I come to that station. While it is just entering to the platform number 6, I heard that cracker's voice. So I ask a co-passenger, they also surprised. Then we come to know that it's the firing. Yeah, फिर से निवेदन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 की ओर से बाहर न जाए, उसे निवेदन है कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की तरफ से बाहर चले जाइए. Before the train touching to the platform, he started announcing. उसे निवेदन है कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की तरफ से बाहर चले जाइए. प्रवाशांना विनंती आहे की त्यांनी प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 च्या दिशेने बाहेर पडू नये, त्यांनी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 च्या दिशेने बाहेर पडावे. Is announcing such like anybody will understand the thing. Continuously, that's not, he's not stopped anything. He's explaining to the passengers. जिन यात्रियों को पॉसिबल नहीं है कि वो पीछे की तरफ से बाहर जाए, वो लोकल से बाहर ना आए, वो लोकल में ही बैठे रहे. प्रवाशांना विनंती आहे की त्यांनी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7 दिशेने बाहेर पडू नये, त्यांना त्यांनी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 दिशेने बाहेर पडावे. Escaped and the people are telling that terrorist that. But what terror is, what is that, actually we don't know. Nobody knows that. Good evening. We begin with breaking news tonight. The Bombay BT station, one of the places where you'll always see a huge number of people gathering. Two young gun-toting terrorists. Give heart wave. AK-47 jaisa hathiyar hai. They're moving completely trained way just below the footbridge of the BT station. They went about their bloodbath at the CST station. I never met Vishnu, BT station announcer, but he's announced and he saved my life. Many people saved because of the Vishnu, otherwise would have more. That VT station would have more. You are as my God. You come to as a God to save us. Oh, definitely I would tell, sir. Still I am telling, I will tell you. If I met him, I will tell him. मेरा नाम है विष्णु झेंडे. मैं 97 से लेकर 2014 तक अनाउंसर में था. जब मैं छोटा था तो मैं सैंडल्स में रहता था, जहाँ रेलवे क्वार्टर्स के सामने से लोकल ट्रेन गुजरती थी. दूर से देखता था मुझे ऐसा, वो एकदम साफ के वहाँ पर जब ऐसा टर्न मार के आती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था.
वहां पर मुझे घंटों बैठे देखते रहता था, अभी एक ट्रेन गई, दूसरी ट्रेन आएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेन में सफर करना या देखते रहना। छब्बीस तारीख को मेरा फर्स्ट डे था छुट्टी से आने के बाद का, एकदम नॉर्मल डे था। रोज की तरह मेरा इवनिंग ड्यूटी था 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और हम लोग काम में जब भी काम करता तो एंजॉय करके ही काम करता, पूरी तरह से उसमें पूरा घुस जाता हूँ काम में। उस वक्त मैं काम के अलावा दूसरा कुछ सोचता नहीं हूँ। 9:50 शाम के हुए थे, और उस वक्त मेन लाइन की तरफ जहाँ पर लंबी दूरी की गाड़ियाँ चलती मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ, वहाँ से पब्लिक दौड़ते हुए दिखाई दे रही थी। कुछ पब्लिक के कपड़ों के ऊपर या बदन के ऊपर खून के छींटे थे। मैं तुरंत अपना माइक एक किया और जो सामने से लोकल आ रही थी तुरंत पीछे की तरफ डाइवर्ट करना चालू कर दिया, और मुझे मालूम था कि पब्लिक को मैं अगर कुछ भी बताता हूँ कि इधर ऐसा हुआ है या, तो पब्लिक दौड़ना चालू करेगी। पीछे एक ही गेट था और छोटा सा गेट था, उधर और कुछ हादसा हो सकता था, इसलिए मैं उनको ये नहीं बता रहा था कि यहाँ पर कुछ हो रहा है करके। यात्रियों से निवेदन है कि वो प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 की ओर से बाहर न जाए, निवेदन है कि वो प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की तरफ से बाहर चले जाइए। ये अनाउंसमेंट सुन के लोग पहले तो थोड़ा ये हो रहा है, ये अनाउंसमेंट ऐसा क्यों हो रहा है करके, लोग आगे की तरफ थोड़ा तो जैसे ट्रेन से उतरते भागना चालू कर देते आगे की तरफ। वैसे आगे की तरफ आते थे, अनाउंसमेंट सुनते थे और रुक जाते थे, फिर वापस देखते थे सामने हॉल में कोई नहीं है, पूरा खाली सुनसान पड़ा है हॉल, तो फिर वो टर्न मार के निकल जाते थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि आप पीछे जा रही है पब्लिक, और तब तक वो दो टेररिस्ट मेरे सामने आके गोलियां मार रहे थे। वो तो ज्यादा से 10-12 फुट पे थे। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी अपना जीवन समाप्त, तो मैं अभी बोला अभी लास्ट, अभी कुछ तो अपनी फैमिली से बात करूं, उनका आवाज सुनूं। तो इसलिए मैं उस वक्त फ़ोन लगाया और उनसे बात किया, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरे सामने गन लेकर खड़ा है और गोलियां मार रहा है। मैं खाली बोल रहा मैं अपने ऑफिस में सेफ हूँ करके, और उसके बाद फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया, और बाहर जो भी नज़ारा चल रहा था, वो गोलियां मार रहा था, वो हम लोग चुप चुप के देख रहे थे। करीबन 12:30-1 बजे जब पूरी तरफ से साइलेंट हो गया था, पुलिस फोर्स वहाँ पर आ गई थी और पूरा बंदोबस्त आ गया था, तो उसके बाद मैं नीचे उतरा, तो वहाँ पर मैं पहुँचा तो देखा पूरे हॉल में पूरा खून से लथपथ था, पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं थी, इतना खून फैला हुआ था। वहाँ पर देख के मेरे पूरे ऐसे बाल जो रोंगटे खड़े हो गए बोलते, तो वो एकदम हो गए, मैं देख नहीं पाया वो नज़ारा, वो खून खून पूरा। मैं सीधा फिर से अपने कैबिन में चला आया, और उसके बाद फिर मैं वापस नीचे, जब मेरा सुबह रिलीवर आया तब मैं नीचे आया, तब तक मैं अपना ऑफिस में बैठे काम करता रहा। ये हादसा तो कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये इतने बड़ा हादसा अपने लाइफ का है, तो उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। I saw him and he is a complete fire, bullets, at computers. Today, I sit at the same seat, in the same office and look down the same window. Every day, I look down that window and pray I will never witness anything like that again. And when I saw the kasab in the court with his head bowed down, I was filled with anger. Because I couldn't shoot him myself.